तो फ्रेंड आपका स्वागत है मन्नू एयर कंडीशन में मैं आज आपको सिखाऊंगा इंडोर की सर्विस खोल के कैसे करें ये हमारे बोले शंकर जी बैठे हैं चलो दोस्तों आज सिखाता तो हूँ मैं आपको इंडोर की सर्विस कैसे करें मेरे पास इटाची का इंडोर पड़ा है ये मैं दिखाता हूँ आपको ये बहुत गंदा हुआ पड़ा है यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ तो देख लो आप कितना डस्ट इसमें कितने गंद है दोस्तों इसको आज सारा खोल के मैं बिल्कुल पूरा खोल के इसको सर्विस करके आपको दिखाऊंगा तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहो अटाची का इंडोर आप देख सकते हो मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे इसमें इतनी डस्ट जो फिल्टर सारे इसके बंद पड़े पहले मैं इसके दोस्तों फिल्टर निकाल दूँगा ये देख सकते हो आप तो मैं इसको आपको पूरा खोल के इसको सर्विस करके दिखाऊँगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर इसके ब्लोर है चलो दोस्तों मैं इसको खोलता तो हूँ पहले ये देखो मेरे साथ आप जुड़े रहो वीडियो में ये यहाँ पे इसके तीन पेज लगे होते हैं एक दो और ये तीन ये तीन पेज आपको खोलने जरूरी है जब आपका इंटर खुलेगा ये देख सकते हो दोस्तों इसके तीनों पेज मैंने खोल लिए ये आप दोस्तों इसको यहाँ पे डीप मार्केट ये देख सकते हैं मैंने इसका यहाँ पे इंडोर पूरा खोल चुका है इसको मैं साइड में कर दूँगा दोस्तों अब यहाँ पे मेरा इसमें ये पीसीबी भी लगी हुई है अब दिखाता हूँ मैं आपको कितना कचरा है इसमें ये देखो दोस्तों कितना गंदा पड़ा हुआ यहाँ से तो मैं इसका पीसीबी भी वगैरह उतार के ब्लोअर वगैरह निकाल के पूरा सर्विस कर दूँगा फिर आपको मैं इसको दिखाऊँगा आपको कि कैसे सर्विस होता है चलो दोस्तों पहले सबसे पहले दोस्तों इसकी ड्रेन खोलेंगे यहाँ से ये ड्रेन के दो पेज होते हैं एक पेज पेजरा और एक पेज यहाँ पर होता है दोस्तों इसकी मैंने ड्रेन खोल ली यहाँ पे पेज मैं इसके साइड में रखूँगा दोस्तों पेज संभाल करके पेज ना खोए आपके जी दोस्तों इसके लोग होते हैं यहाँ पे इसको हटा ले आराम से और आप, आपका आसानी से ड्रेन बाहर आ जाएगा ये आपका ड्रेन बाहर हो गया आपके यहाँ से सर्किट से कनेक्शन खोल ले दोस्तों जैक निकाल ट्रेन का आराम से किसी में आपको कोई परेशानी ना हो ये मैंने यहाँ से इसका सर्किट निकाल दिए इसके जैक निकाल दूंगा दोस्तों मैंने ट्रेन के तीन जैक होते हैं एक दो तीन तीनों जैक निकाल दिए मैंने इसके ट्रेन में दो मोटर लगी है दोस्तों देख सकते हो एक मोटर ये रही तीन मोटर लगी है दोस्तों एक दो और एक तीन तीन मोटर है उसके तीन जैक है तीनों जैक मैंने खोल दिए इसको साइड में रखूंगा मैं तो अब इसके दोस्तों यहाँ से इसका सर्किट का सेंसर हटा के मैं यहाँ से कॉयल का पहले दोस्तों इसका सबसे पहले मैं सर्किट निकालूंगा इसका अब देख सकते हो सर्किट कैसे निकालूंगा ये सर्किट के दोस्तों पेज है पहले मैं सारे सर्किट के पेज खोलूंगा इसके का रहा। एक रहा दोस्तों। सर्किट मेरा पूरा बाहर हो चुका है दोस्तों बस फैन की कलम निकाल लो ये फैन का कलंप लगा हुआ है मोटर का ये मैंने कलम निकाल दिया सर्किट मेरा अलग हो गया दोस्तों देख सकते हो इसमें रहेगी मेरी क्वाल और उसकी मैं कोआल खोलूंगा दोस्तों कोआल के पेज होते हैं यहाँ पे तो अब ये पेज आराम से खोल ली देखो दोस्तों एक पेज मैंने खोल लिया इसका और मैं इसको दूसरी तरफ इसके पेज है वहाँ दूसरी तरफ से इसका पेज खोलूँगा तो दोस्तों देख लो एक पेज ये रहा इसका और एक पेज ये रहा इसका मेरी कॉल पूरी बाहर आ जाएगी यहाँ से अभी तो इसका कोई पेज रहेगा तो ये रही है तो उसको मैं यहाँ से भी खोलूँगा दोस्तों देख दोस सकते हो मैंने कॉल निकाल लिया यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ से पीछे खोलूँगा इसके दोस्तों इसके लोग लगे हुए तो तीन इसके ऊपर लोग होते हैं कॉल के ऊपर इसको खोलने बहुत जरूरी है तो आपके कॉल नहीं निकलेगी बाहर तो दोस्तों मैंने इसके लोग खोल लिए पेज में साइड में रख लूँगा इसको इसका एक लोग होता है इसको भी यहाँ से हटाऊंगा मैं ये मैंने लोग हटा लिया इसका अब मैं इसको यहाँ से को बाहर निकालूंगा आराम से तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास में टाई बंदी हुई है टाई को खोलू पहले मैं इसकी मेरी क्वालियर आराम से बाहर आ गई पूरी दोस्तों देख सकते हो आप अगर घर पे सर्विस करवाते हो तो आगे से आप साफ हो जाता है और पीछे से गंदा का गंदा ही रहता है ये देखो कितना गंदा कितनी डस्ट है यहाँ पे पूरा इसको खोल कर मैं मशीन से आपको सर्विस करके दिखाऊंगा अभी पहले इसको साइड में रखता हूँ मैं इसका ब्लोअर भी निकाल लेता तो हूँ दोस्तों तो ब्लोअर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर इसका एक पेज होता है ये आप देख सकते हैं इसका एक पेज है इसको पहले खोलना पड़ेगा मेरे को पहले इसका मैं ब्लोर निकालने एक पेज खोलता हूँ उसका दोस्तों मैंने इसका पेज खोल लिया ब्लोर का ब्लोर का पेज दोस्तों संभाल से ब्लोर का पेज दोबारा नहीं मिलता बाकी इसके पेज तो आपको दोबारा मिल जाएंगे ब्लोर का ये बुश होता है इसका दोस्तों बुश भी निकाल लूँगा मैं ये बुश होता है इसका साइड में रख लूँगा दोस्तों देख सकते मैंने ब्लोअर भी अपना बाहर निकाल लिया अब इसकी बची मोटर ये खाली पतरा बचा मोटर भी इसकी दोस्तों मैं निकालूंगा ये मोटर का भी पेट में यहाँ से खोल दूँगा मोटर भी बाहर निकाल लें क्योंकि दोस्तों मोटर में पानी चला गया तो मोटर भी ख़राब हो सकती है इसकी क्योंकि हमारा प्रेशर से सर्विस होगा तो उसमें पानी जा सकता है से पेज खोल दी मोटर के लोग खोल दी तीन पेज इसमें भी दोस्तों एक पेज इसका रह गया जो मेरा मोटर का ये लॉक निकले तो ना कैसे निकले बाहर में आखिर तो मैं इसको बाहर निकालूंगा आराम से तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका मैंने ये भी निकाल दिया चलो तो यहाँ से इसकी मेरी मोटर भी अलग हो चुकी है अब मेरा खाली है रह गया देख सकते हो हमने पूरा अटैची का अंडर पूरा खाली कर दिया तो मैं दोस्तों इसको सर्विस करके दिखाऊंगा आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे तो आपको दिखाता हूँ मैं सर्विस करके तो दोस्तों मेरे पास ये बाउस की मशीन पड़ी हुई है देख सकते हो आप बाउस कंपनी की मशीन है मेरे पास सर्विस पम्प है तो मैं इससे आपको सर्विस करके दिखाऊँगा यहाँ पर मेरी गन है तो चलो दोस्तों मैं इसको आपको सर्विस करके दिखाता हूँ मैंने मशीन की तैयारी कर ली है पाइप लगा लिए मेरे यहाँ पर टूटी में मेरे वहाँ पर टूटी में पाइप लग चुका है तो मैं दोस्तों इसको सर्विस करके आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों ये तैयारी कर रहे हैं कर हम सर्विस पंप की अपने लगा रहे हैं यहाँ पर सर्विस करेंगे भी आपको दिखाएंगे हम मेरी मशीन लगा दी हमने तैयारी कर ली ये, ये दोस्तों हमारी शॉप है मनोरगेशन के नाम पे सारा हमारे पास सारा काम होता है हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है देख सकते हो तो भी आपको मैं तो फ्रेंड सबसे पहले कूलिंग कोईल लेंगे ये देख सकते हो कूलिंग कोयल में जो मैं इसमें प्रेशर मार लूँगा अच्छी तरह क्योंकि तो मेरा कूलिंग कोयल में प्रेशर लगना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ से मैं इसमें प्रेशर मारूंगा चारों तरफ से इसमें आप देख सकते हो कितनी डस्ट निकल रही है यहाँ पर मेरी तो इसको प्रॉपर तरीके से मेरे को सर्विस करना है दोस्तों तो मैं इसको चारों तरफ से यहाँ से मारूंगा दोस्तों यहाँ से मेरा जो है प्रेशर बनाऊंगा सेट करूंगा तो यहाँ से इसको मैं अच्छी तरह कूलिंग कोयल के अंदर तक मार दूंगा ताकि जब मेरा कचरा सारा बाहर निकल जाए तो आप देख सकते हो फ्रेंड कितना गंदा हो रखा है ये कूलिंग कोयल मेरा तो दोस्तों आप जैसे भी घर पर भी आप सर्विस करवाते हो तो आपका प्रॉपर सर्विस नहीं हो पाता है इसी तो इसको प्रेशर पम्प से प्लीज़ सर्विस करवाएँ ताकि आपका इनडोर पूरी अच्छी तरह क्लीन हो जाए दोस्तों कवर का क्या है प्लास्टिक के जो है आप ऊपर से भी इसमें कवर में भी कपड़ा वपड़ा मार सकते हो मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों बस वो तो कुछ भी आप कपड़ा मार सकते हैं मगर जो सर्विस प्रॉपर जो जैनवन सर्विस होती है यही होती है अगर आपका इंडोर गंदा है कोलिंग कोल गंदी है ब्लोअर गंदा है तो आपको पूरा तरवा के खुलवा के करवाना पड़ेगा अदरवाइज़ इसमें आपकी कोलिंग में प्रॉब्लम आएगी और आपका पानी अंदर गिरेगा ड्रेन का तो ये देख सकते हो मेरा लड़का इसमें अच्छी तरह यहाँ से जो अंदर से भी मार रहा है पीछे से इसका सारा कचरा निकल जाएगा अच्छा दोस्तों तो इसमें जितना मर्जी आप अच्छा सर्विस करवा लो यहाँ पर जो है आपकी जो है पूरी सफ़ाई कूलिंग कोयल की नहीं होती जब तक उसको उतार प्रेशर नहीं अगर आपके पास दोस्तों प्रेशर पंप नहीं है तो आप इसको उतरवा के कहीं पे भी स्कूटर या बाइक की शॉप पे ले आ प्रेशर मरवा सकते हो दोस्तों तो आप देख सकते हो मेरे लड़के ने यहाँ से इसको कूलिंग कोयल को भी सर्विस कर दिया प्रॉपर तरीके से तो दोस्तों ऐसे करके इसको चारों तरफ से अच्छे तरह पानी मार लेंगे क्योंकि इसमें जो है पानी लगना दोस्तों प्रेशर लगना बहुत ज़रूरी है ये आप देख सकते हो इसमें लड़के ने हमारे सारे अच्छे तरह इसको प्रेशर मार दिया यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि उसके पाइप है इसमें टेप बन ना भूलें क्योंकि अचली पानी इसमें पाइपों के अंदर ना जाए नहीं तो हमारी मशीन में मॉइस्चर आ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे पर भी मैं इसमें करवा दूंगा यहाँ पर जो है सारा मेरा ये साफ़ हो चुका है यहाँ पर मैं इसको साइड में रख दूँगा दोस्तों कोलिंग कॉल को अब मैं इसके कवर उठाऊँगा कवर में पानी मरवाऊँगा दोस्तों जो कि मारे बहुत गंदे देख सकते हो दोस्तों कवर में भी प्रेशर मरवा के पहले अच्छी तरह फिर इसमें बाद में सरफ़ से एक बार कपड़ा लगवा के फिर दोबारा पानी मरवा देंगे अभी इसमें पहले ऐसी कवर को अच्छी तरह प्रेशर जहाँ पर इसकी डस्ट वश होगी सारी निकल जाएगी तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसमें कवर पे भी प्रेशर मार दिए तो दोस्तों ये जो है इनडोर जो है आप लोगों ने भी सर्विस देखी होगी या करवाई होगी तो ये ऐसे खोल के इतनी जल्दी कोई सर्विस नहीं करता तो ये सर्विस जो है इसमें थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा आता है दोस्तों मगर प्रॉपर सर्विस यही है अगर आपका गंदा है तो आपको उतरवा के करवानी पड़ेगी करवाओगे तो बेस्ट रहेगा दोस्तों देख सकते हो कितना पतरे में जहाँ पे मोटर लगती है कितना गंदा है दोस्तों इसमें इतना कचरा आ रखा है आपके सामने तो इसको हमने भी प्रेशर मार दिया ऐसे करके इसमें ड्रेन में भी मार देंगे दोस्तों इसकी ड्रेन है पानी की मशीन का प्रेशर देख सकते हो दोस्तों ड्रेन से कितनी मिट्टी आ रही नीचे तो ये पूरा हमारा बहुत गंदी भी पड़ी है ये ड्रेन देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर मार लेंगे ये ड्रेन हमारी गिर गई दोस्तों प्रेसर इतना अच्छा है मशीन का तो गिरेगी ड्रेन तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर भी है मैं फिल्टर पर भी मार लूँगा फिल्टर भी बड़े ब्लॉक पड़े देख रहे हो दोस्तों इतनी गंदी हो रखी है मशीन हमारी क्या करें कोई बात नहीं दोस्तों और फ़िल्टर भी साफ़ कर लेते हैं इसके हम देख सकते हो फिल्टर बिल्कुल क्लीन हो गया बिल्कुल बंद पड़े थे अच्छा मशीन का दोस्तों एक फ़ायदा और भी है कि इसमें हमें हाथ वाथ मारने की ज़रूरत नहीं होती है एक बार अगर प्रेशर ढंग से लग जाए तो ये मिट्टी सारी फेंक देती है बाहर निकाल के तो ये आप देख सकते हो मेरे फिल्टर भी क्लीन हो गए हालांकि मेरे को इसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं मगर फिर भी मैं इसमें आपको भी सर्फ़ मार के एक बार और प्रेशर मार के दिखाऊँगा दोस्तों तो चलो मैं इस वीडियो में जुड़े रहें अंत तक मैं आपको आज आप प्रॉपर सर्विस करके आपको दिखाता तो हूँ इस प्रॉपर सर्विस क्या होती है और कैसे होती है इस चीज़ का आप ध्यान दें दोस्तों देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ से इसमें प्रेशर सब में मार लिया तो अब मैं इसमें यहाँ पे जो है ये थोड़ा फर्श भी हमारे जो है क्लीन कर दूँगा यहाँ पर जो है हमारे डस्ट होगी सर्विस करके कचरा हो गया तो यहाँ पे मैं इसको दोस्तों इस मशीन का ये फ़ायदा प्रेशर बहुत अच्छा मशीन में बाकी ये है कि अभी आपको हम अपनी गाड़ी सर्विस करके भी दिखाते हैं तो चलो दोस्तों मैं इसमें पहले लड़के से सरफ़ का कपड़ा मरवा लेता हूँ अच्छी तरह इसमें हमारे जो है लड़का अभी इसमें सरफ़ का कपड़ा मारेगा सब में तो इसमें सरफ़ का कपड़ा मार के दोस्तों फिर इसमें जो है हमारा अच्छी तरह इसको दोबारा हम प्रेशर मार के दिखाएंगे आपको तो यहाँ से मैं इसको करवा लेता हूँ दोस्तों तो जैसे कि दोस्तों अगर आप सर्विस करवा रहे हो जो स्प्रेडे सी घर पर दी ध्यान दें इसके लिए दोस्तों पानी का प्रेशर बहुत अच्छा होना चाहिए बिना पानी के प्रेशर के ये आपका प्रॉपर सर्विस नहीं हो पाएगा दोस्तों तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमें पतरे पे इसमें सरफ का कपड़ा भी जो है मार रहा है लड़का हमारा तो यहाँ पर हमारा जो है सरफ़ का कपड़ा मार के जो है इसमें आगे पीछे से करके सर्विस सब करके आपको दिखाएगा देख सकते हो आप दोस्तों सर्विस आपने बहुत देखी गई मगर सर्विस ऐसी सर्विस नहीं देखी एक एक चीज़ खोल के आपको जो प्रॉपर सर्विस करके जो है कोई नहीं सिखाएगा आपको मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको सर्विस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है और प्रॉपर तरीका जैसे सर्विस आप करवा रहे हो सबसे अच्छा तरीका यही होता है बेस्ट इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता दोस्तों तो इसमें सर्विस मार लेगा आगे अच्छी तरह सर्फ ये पीछे देखो लड़का एक और बैठा मारा मशीन लेके तो ये प्रेशर चेक कर रहे हैं मशीन का दोस्तों इस मशीन का वाक्य में ही प्रेशर बहुत अच्छा है आपके मार्केट में बहुत मशीनें आती है प्रेशर होता है अच्छा मगर उनकी लाइफ नहीं होती दोस्तों जो ये हमारी जो बॉश कंपनी की मशीन है एक तो ये बेस्ट है और इसका एक प्रेशर हमारे पास खुद दोस्तों को पाँच हो का यूज़ करते हुए और बाकी हमारे पास प्रेशर पंप और भी थे तो वो साल से ऊपर नहीं चलते दोस्तों कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें आप देख सकते हो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारी बहुत अच्छा पंप चल रहा है तो ये लड़का इसमें हमारा ये सर्फ अच्छी तरह मान लेगा यहाँ से भी आप देख सकते हो कैसे तरीके से सर्विस कर रहा है धीरे धीरे अच्छी सर्विस कहते हैं इसे तो यहाँ से भी ये मान लेंगे इसको जहाँ पे कमी देखेगी अच्छी तरह खुद प्रॉपर तरीके से दोस्तों ऐसी सर्विस करोगे तो कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा कि वाक्य में कुछ सर्विस हुई है आजकल क्या होता है मकैनिक भाई क्या होते हैं हमारे गए कस्टमर के घर हाँ जी सर्विस करी इनडोर के फिल्टर निकाले बाहर से धोए ऊपर कवर में कपड़ा मार दिया हाँ जी सर्विस हो गया लाओ जी पैसे बाहर आउटडोर में पानी मार दिया तो दोस्तों से सर्विस थोड़ी कहते ये तो वही है कि बस कस्टमर की आंखों में धूल झोंकने वाली बात होती है बाकी प्रॉपर अगर सर्विस कराओ तो कस्टमर मैं एक चीज़ और बता दूँ चाहे पैसे आप दो फालतू तो ले लो कस्टमर से मगर काम बढ़िया करके दो तो दोस्तों अगर आप न्यू मैकेनिक हो तो सर्विस दो पैसे फालतू तो बोलो कस्टमरों को नहीं तो काम मत करो और दोस्तों मैं आज आपको एक चीज़ और बता दूँ जो भी है मकैनिक भाई है कोई भी भाई है कृपया करके अगर आप इंडोर सर्विस कर रहे हो कोई इन्वर्टर ए सी सर्विस कर रहे हो तो दोस्तों इसका सर्किट सबसे पहले खोले और मोटर सबसे पहले खोले क्योंकि दोस्तों ये जो मोटर में डीसी मो इंडोर में डीसी मोटर आ रही है इसमें हल्का सा पानी जाती है मोटर ख़राब हो सकती है और आपकी जो पीसीबी में पानी जाती है आपको पता है पीसीबी में प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसी एक इन्वर्टर मोड ए आ रहा है जो आउटडोर में भी पी आ रही है दोस्तों आधे लोगों को तो पता नहीं है कि बस तो दोस्तों इसमें आउटडोर में भी पी सी भी आ रही है तो आप आउटडोर सर्विस करने से पहले पी सी भी ज़रूर खोलें इसमें पानी ना मारे प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्योंकि और इंडोर में भी इसमें पी सी भी खोल लें और मोटर खोल लें फिर आप जहाँ मर्जी पानी मार दें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोस्तों किसी का नुकसान हो या आपका नुकसान हो मैं नहीं चाहता है। तो कभी भी सावधानी बरतें ए सी इनडोर कर रहे हो आप आउटडोर कर रहे हो तो उसमें सावधानी बरतें तो इसलिए दोस्तों क्या फ़ायदा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें भी अच्छी तरह यहाँ पे पीछे लड़का मार लेगा सरफ़ का कपड़ा तो यहाँ से भी हमारा जो है प्रॉपर तरीके से इसे सर्विस करेंगे हम आज तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस पर कवर पे भी पीछे जाली पे भी मारेगा जाली में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है जाली में डस्ट फंस जाती है तो वो साफ़ नहीं हो पाती एक बार ये सरफ का कपड़ा लग जाए फिर प्रेशर पर लग जाएगा फिर वो सारी साफ़ हो जाएगी तो ये देख सकते हो आप दोस्तों ये सर्विस के लिए कम से कम आपको डेढ़ से दो घंटे चाहिए होते हैं दो घंटे से पहले ये आपकी सर्विस नहीं होने वाली नहीं तो हम आपको करके दिखाएंगे जल्दी नहीं तो अगर प्रॉपर सर्विस चाहिए पहले आप तरीका यही होता है सबसे पहले दोस्तों ए चलाओ अपना फिर आप आउटडोर में उसकी गैस पम्प डाउन करो फिर उसके बाद आपका इंडोर खोलो इंडोर नीचे उतारो और फिर उसके बाद इंटर खोल के तो आपका इंडोर खोल के नीचे उतार के फिर उसको सारा खोल के ऐसी कवर कवर सब कुछ इंडोर ब्लोर व्लोर खोल के फिर इस तरीके से सर्विस होगा दोस्तों फिर सर्विस करके जो हाँ जी तो ये सर्विस करके फिर आपको फिर दोबारा ऐसी फिट करके लगा के आप ले के चेक करके फिर आप गैस खोल दीजिए तो ये सर्विस का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कभी भी करवाओ या मैकेनिक भाई हो नया मैकेनिक हो तो इस चीज़ सीख ले दोस्तों गैस पंप डाउन करना ना बोले पहले आप सबसे पहले गैस रोके ए सी की फिर उसके बाद इंडोर खोले किसी क्या फ़ायदा किसी की गैस का नुकसान भी हो दोस्तों हाँ वैसे अगर अदरवाइज आप गैस चार्जिंग के लिए जा रहे हो गैस लीक है फिर कोई दिक्कत नहीं फिर आप मशीन उतारो पहले सर्विस कर लो इंडोर फिर उसमें गैस लीक रिपेयर करके चाहे इंडोर लीक है चाहे आउटडोर लीक है फिर उसको अच्छी तरह रिपेयर करके सर्विस करके फिर उसमें वैक्यूम करके अच्छी तरह गैस डाल दो आजकल दोस्तों हमारे ए में गैस भी पाँच छः प्रकार की आ रही है। तो आर बाईस हो गई ये तो पुरानी प्रा, गैस है बाकी चार सौ दस हो गई यार आर, आर थर्टी टू हो गई आर दो सौ नब्बे हो गई तो ये दोस्तों हमारी तीन चार तरीके की गैस एसी में आ रही है तो बहुत आजकल मैकेनिक भाइयों को तो बहुत मुश्किल हो रखी है कि क्या रिपेयर कैसे रिपेयर करे गैस कैसे डाले तो दोस्तों गैस के बारे में भी आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में अपनी कि गैस कौन सी गैस कौन सी ए सी में डलती है कितनी डलती है अभी फ़िलहाल आपको हम सर्विस करके दिखा रहे तो चलो दोस्तों ये ड्रेन हमारी जो है यहाँ से सर्विस कर लेंगे अच्छी तरह ड्रेन में भी बहुत कचरा अच्छा एक ए में मेन रोल दोस्तों ड्रेन का भी होता है आपकी ड्रेन प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए दोस्तों क्योंकि ड्रेन में देख सकते दोस्तों ये जहाँ से पानी निकलता है उसके रिश्ते में कितना कचरा था तो ये दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है प्लस पॉइंट इसको ध्यान रखना है आपने कभी भी सर्विस करो ड्रेन में सबसे पहले अच्छी तरह सफाई करो लोग क्या करते हैं सर्विस कर जाते हैं ड्रेन ड्रेन कुछ नहीं देखते हाँ। चाहे कुछ भी करो आप ड्रेन खोल के एक बार ज़रूर साफ़ कर दो, दोस्तों क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है घर इंटरनल घरों में आपने समस्या देखी है पानी गिर रहा है ए में से तो मेन प्रॉब्लम आधी ज़्यादा ड्रेन की होती है दोस्तों ए के अंदर इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता दोस्तों बस बस यही है, है कि सर्विस करे निकल गए तो यहाँ से इसमें ड्रेन में भी लड़का अच्छी तरह सर्विस कर लेगा भी उसमें प्रेशर मार देंगे अच्छी तरह तो ये आज आप आप लोगों ने देखा हुआ घर पे ये हमारे और एक दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा अगर आपको याद है नहीं है तो कभी भी इंडोर के नीचे एलईडी टीवी ना लगाए एलईडी पैनल ना लगाए आपको इस चीज़ का बहुत बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों अगर आप घर पे एसी लगा रहे हो आप मकान नया रिनोवेशन करा रहे हो तो एसी के सेपरेट जगह में पाइप डलवाएँ दीवार में नीचे कुछ भी ना हो बेड भी ना हो और आपका एल ई भी ना हो अच्छा बेड के नीचे भी दोस्तों एसी ना लगाए कल को अगर आपका एसी अंदर से पानी गिरता है तो आपका बेड शीट वगैरह सब गीली हो जाती है बेड वगैरह ख़राब होने का डर है तो इसीलिए जो दीवार में वाल में एसी लगे उसके नीचे दोस्तों कुछ भी ना हो इस चीज़ का ध्यान दो ये चीज़ आपको कोई नहीं समझाएगा मगर ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों समझने वाली चीज़ें ये आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें तो देख सकते हो मेरे इसमें सब में लड़के ने सरफ सर्फ सब लगा दिया इसमें दोबारा प्रेशर मारेंगे हम अच्छी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मशीन हमारी जो है तैयार होगी दोबारा चलने के लिए गन हमारी लोड हो रही है तो यहाँ पे हमारी जो गन में प्रेशर लोड हो रहा है तो यहाँ से हमारा प्रेशर बनेगा दोबारा तुम यहाँ से फिर दोबारा अच्छा दोस्त में दोस्तों हमारे जो है स्विंग की मोटर होती है सील्ड होती है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें पानी भी दिल जाता तो है हमारी मोटर सील्ड होती है पानी नहीं जाता दोस्तों तो यहाँ पे पानी मारूंगा मैं सब जगह आप देख सकते हो प्रेशर कितना अच्छा है दोस्तों मशीनों का अभी मैं पर भी आपको करके दिखाऊंगा अपनी गन कि इसकी कम से कम बीस फुट मार है दोस्तों हमारे प्रेशर की अगर आप ऊपर करोगे बीस फुट तक ये मार मारेगी इसका बहुत अच्छा प्रेशर है दोस्तों तो कभी मैं आपको सलाह दूंगा अगर कभी अपने मशीन मकैनिक भाई तो न्यू मकैनिक हो दोस्तों तो बॉश की मशीन ले एक बार पैसा ज़रूर लगता है दोस्तों तो बॉश की भी मशीन ले बढ़िया मशीन ले तो ये देख सकते हो ऐसी करके मैं सब डक्कर में पानी मार लूँगा इसमें ढक्कनों में भी कवरों में अच्छी तरह तरीके से मेरा पानी लग जाएगा ये देख सकते हो मैंने मशीन का प्रेशर सेट कर लिए ये देख सकते हो मैं यहाँ से कवरों में सब में पानी मार लूँगा तो यहाँ से दोस्तों मेरा ये इंडोर का कवर है अपर वाला मैं इसमें भी पानी मारूंगा पहले तो, तो यहाँ से मैंने इसमें कबोड़ में पानी मार लिए अब मैं इसके पतरे में पानी मार लूँगा मैं आराम से रख लूँगा मेरे यहाँ पर जहाँ पर मैं सर्विस कर रहा हूँ इसमें बहुत ये देखो दोस्तों ब्लोर है एक एसी में मेन रोल दोस्तों ब्लोअर का भी है अगर आप सर्विस कर रहे हो आधे से ज़्यादा फॉल्ट आपका ब्लोर में ही होता है दोस्तों आपकी कोलिंग कम है फ्लो नहीं आ रहा तो ये ब्लोर का फॉल्ट है दोस्तों आप ब्लोर प्रॉपर सर्विस करवा लें तो आपकी जिससे ज़्यादा कोलिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो ये पत्रा में देख हो तो दोस्तों पत्रों में अच्छा दोस्तों तो ये आपके अगर ब्लोर में डस्ट भी है तो आपके ब्लोर मिट्टी से भरा हुआ है तो आपका तो फ्लो भी कम आएगा और आपके जो है एसी के पाइपों में बर्फ़ आ जाएगी दोस्तों ये छोटा छोटा फॉल्ट है कोई नहीं बताएगा आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपके मोटे पाइप में बर्फ आ जाएगी अगर आपका ब्लोर गंदा है तो कूलिंग आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी देख सकते हो दोस्तों फिल्टर में दोबारा पानी मार लूँगा दोस्तों मेरी गनी बहुत लंबी है इसकी मशीन की लोगों की छोटी छोटी सी गन्ने होती है मेरी गनी इतनी है कि अगर मैं नीचे से खड़े होकर ऊपर हाइट में मारूँ आउटडोर हाइट पर लगाऊँ तो मेरा आराम से सर्विस हो जाता है दोस्तों मेरे स्टूल स्टूल की कोई ज़रूरत नहीं होती तो ये दोस्तों देख सकते हो तो मेरा ए सी बात सर सर्विस हो चुका है यहाँ से मैं इसमें आपको अपनी स्कूटी भी सर्विस करके दिखा दूंगा दोस्तों दो मिनट में दोस्तों मेरी स्कूटी सर्विस हो जाएगी और बाहर से आप कराते हो तो पैसे चार्ज हो जाते ज़्यादा आपके तो ये देख सकते हो मैंने स्कूटी भी दो मिनट में अपनी चमका दी है दोस्तों क्या लगा मेरा कुछ लगा। भी नहीं लगा पाँच मिनट भी नहीं लगे दोस्तों मेरे देख सकते हो मेरी स्कूटी चमचमा गई तो ऐसी दोस्तों ये घर पे हम ऐसी सर्विस अपनी कर लेते हैं चलो दोस्तों मैं देख सकते हो ऊपर दिखा रहा हूँ उसकी कम से कम बीट बीस फुट मारा है ऊपर देखो सकते हो प्रेशर काटा जा रहा है बीस फुट देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा प्रेशर है चलो दोस्तों मशीन हमने बंद कर दी अब करेंगे अपना इनडोर पैक अब आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से मेरा जो इंडोर है मैं प्रॉपर अच्छी तरह सर्विस करवा के कपड़ा मरवा के इसको जो है फिट करके दिखाऊंगा दोस्तों मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बोले लिखना ना बोले कि कैसी लगी सर्विस आपको अगर अच्छा सर्विस अच्छी नहीं लगी जब भी दोस्तों मेरे बताए क्या कमी रह गई सर्विस में अगर कोई कमी हो तो दोस्तों तो ये देख सकते हो मैं यहाँ से कपड़ा मरवा लूँगा उसको अच्छी तरह दोस्तों मेरा ये दावा है कि ऐसी सर्विस करके आपको कोई भी नहीं दिखाएगा जो मैंने आपको सर्विस करके दिखा दी देख सकते हो एक एक चीज़ आपको सारी खोल के सर्विस करके दिखाई है प्रॉपर तरीके से तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको अब कपड़ा मार के द्वारा जो है इसमें सारी फिटिंग दोबारा करके आपको दिखाऊंगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों तो ये इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले प्लीज़ और लाइक और शेयर तो जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आइकन का बटन दबाना ना बोले दोस्तों चलो दोस्तों यहाँ से मैंने इसमें कपड़ा मरवा दिया और यहाँ से मैं इसको पहले इसको भी अपने टेबल को भी साफ कर लूँगा जहाँ पे मैं इसको फिट करूँगा क्योंकि एक बार सारा मार के फिर मैं प्रॉपर तरीके से इसको फिट करूँगा चलो दोस्तों अब तैयारी करते शुरू करते सबसे पहले कोयल हम इसके कोल का पानी निकाल के साइड में रख देंगे ये देख सकते हो कोयल में पानी कितना हमारा तो इसको हम यहाँ पे लगेगी मगर अभी बाद में लगाएंगे इसको हम पहले यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों उसकी लगाएंगे मोटर फैन मोटर लेंगे इसके सबसे पहले हम फैन मोटर लगाएंगे जो हमने उतार के रख दी थी देख सकते हो इसी हमारा दोस्तों पूरा चमक चुका है इसमें पानी बिल्कुल ना मारे दोस्तों डीसी मोटर होती है हमारी आजकल जितने भी इंडोर आ रहे लगभग डीसी मोटर आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ये देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ से साफ़ कर ली इसकी जगह एक एक चीज़ साफ करके प्रॉपर देख सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें पानी मार लिए मगर आप देख सकते हो मैं इंडोर को बिठाऊँगा मोटर यहाँ से इसकी तार निकाल लूँगा कवर की जहाँ से मैंने बिठानी है इसको और यहाँ से मैं इसको अच्छी तरह बिठा के प्रॉपर तरीके से बिठा के कवर के पेच लगाऊँगा जहाँ से मेरे को दिक्कत ना हो कवर में भी कपड़ा मार लूँगा थोड़ा गंदा हो है दोस्तों इन पार्टों में मैंने जान के कपड़ा नहीं मारा क्योंकि मेरे जो है मोटर के ऊपर लगने हैं हल्की बुल्की बूंद ना चली जाए मोटर में तो मैंने इसीलिए इसमें खाली गीला कपड़ा मारूंगा जो मोटर के ऊपर सर्किट के ऊपर सामान है वहाँ पे मैं खाली कपड़ा ही मारूंगा दोस्तों और कुछ पानी का यूज़ नहीं करा मैंने वहाँ पर तो दोस्तों देख सकते मैंने उसमें कपड़ा मार के इसको बैठाऊँगा प्रॉपर ये मैंने तार निकाल ली इसकी वायर यहाँ से निकाली मैंने तो मैं इसको भी यहाँ से इसको ब्रो इसके लोग लोग इसका लॉक वही लोग बिठाऊंगा इसका प्रॉपर वहीं बैठेगा जहाँ पे इसका लॉक है ये प्रॉपर वहीं जाकर बिल्कुल सेट बैठेगा उससे मिल जाएगा तो ये देख सकते हो यहाँ से नीचे से प्रेस मारूंगा मैं इसको ये बैठ जाएगा ये देख सकते हो मेरा ये बैठ गया प्रॉपर बैठ गया दोस्तों बिल्कुल भी कुछ भी गैप नहीं तो यहाँ से दोस्तों मैं इसमें अब इसके पेच लगाऊंगा जो मैंने खोले थे हाँ दोस्तों एक हमारे मैकेनिक भाइयों के साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पेज खोलते दस है और लगाते चार है तो ये दोस्तों ये हर मैकेनिक के साथ है ये हमसे भी कभी कभार हो जाता है कि पता नहीं क्या समस्या रहती है पेज हमारे प्रो मगर हम इस मशीन में पूरे पेज लगा के दिखाएंगे आपको तो यहाँ पे पीछे भी मैं एक बैठा लूँगा थोड़ा सा दो चुड़ी चढ़ा के ढक्कन बैठा लूँगा दोस्तों मोटर के पीछे दो रबड़े होती है आगे होती है एक पीछे होती है उनको बराबर बैठाएं ताकि मोटर का इनबैलेंस ना हो मोटर आवाज़ ना करे मोटर बराबर बैठी रहेगी तो मोटर आवाज़ नहीं अगर मोटर आपकी एक तरफ से कम बैठेगी एक तरफ से ज़्यादा बैठ जाएगी तो मोटर जाम हो सकती है दोस्तों तो ये देख सकते हैं मैंने पेज लगा दी पीछे वाला भी टाइट कर दूँगा तो यहाँ से दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरह मोटर की कसाई कर ली है तो आप देख सकते हो ये मेरे दोनों पेज लग गए अच्छी तरह टाइट हो गए तो चलो दोस्तों अब इसमें यहाँ से पीछे हम इसका सर्किट बिठाएंगे पी सेट करेंगे इसकी पीसीबी के पास पहले अच्छी तरह जहाँ बैठनी वहाँ पे हम कपड़ा मार लेंगे थोड़ा पानी ना रह जाए दोस्तों ये देख सकते हो तारों में भी अच्छी तरह कपड़ा मार के पीसीबी जो है आ चुकी है हमारे हाथ में पीसीबी में थोड़ा कपड़ा मारेंगे जहाँ पर ऊपर ये देख सकते हो पी सी बी भी आपको मैंने कपड़ा मार के यहाँ पे सर्किट की तरफ़ पानी ना मारे या केला कपड़ा ना मारे प्लीज़ बस ये रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों सर्विस कर रहे तो सबसे पहले फ़ैन का जैक लगाएंगे फ़ैन का जैक दोस्तों इसमें एक इंडोर के पीसीबी में एक खासियत है आपके जैक जैसे है वैसी लगेंगे कोई उल्टा नहीं लग सकता उल्टा जैक लगेगा ही नहीं सारे जैक वैसे सीधे लगेंगे अगर कोई सेम जैक है तो उसमें कलर कोड होगा कलर अलग अलग हएँगे अगर आपके सेम जय होंगे तो नहीं तो कोई छोटा होगा जैक कोई बड़ा होगा ऐसे करके जय होंगे दोस्तों इसके वो जैग वहीं लगेगा ये पीसीबी के पेज मैंने टाइट कर लिए एक पेज यहाँ पर है पीसीबी के दोनों पेज टाइट कर लूँगा देख सकते दोस्तों अब इसकी मैं सबसे बाद ब्लोर लगाऊँगा इसका मैं हवा वाला इसका ब्लोर लगेगा दोस्तों फिर ब्लोर लगा के ऑयल नहीं लगेगी पहले पहले इसका ब्लोर लगेगा ब्लोर लगा के फिर मैं आपको उसका बुश में जो लगाओगे उसमें ऑयलिंग ओलिंग कर लेना दोस्तों मैं ऑयल करके दिखा दूँगा कैसे ऑयल करना है आपने ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ब्लोर में मैंने इसमें अच्छी तरह ब्लोर लगा लिए बिठाऊंगा इसमें खाँचे में और इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये आराम से मेरा बैठ जाए ये देख सकते हो यहाँ से मैंने बिठा लिया इसको ये देख सकते हो दोस्तों मैंने दबा लिया दोस्तों इसमें आप स्क्रू टाइट कर दे दोस्तों इसका जो है ब्लोर का स्क्रू संभाल के रखें ये अगर स्क्रू हो गया तो ब्लोर का इतनी जल्दी स्क्रू नहीं मिलता बाकी तो आपको बॉडी के स्क्रू मिल जाएंगे मगर तो ब्लोर का स्क्रू अलग होता है तो मेरा ये थोड़ा सा आल्ट्रा है इसको खोल के मैं दोबारा सेट करूँगा थोड़ा लूज करके इसको ये देख सकते हो मैंने थोड़ा आगे करके इसको दोबारा टाइट कर दिया है यहाँ से मेरा अब लोड नहीं हो रहा मैं इसमें बुश में आपको मोबाइल डालूंगा और उसको मैं बिठाऊँगा ताकि मेरा जो है बुश आवाज़ ना करे चूचू की कभी आप देख सकते हो डर में चूचू की आवाज़ आती है तो ज़्यादातर इसका बुश का ही सूखा चल रहा था देख सकते मेरा हो मेरा कितना स्मूथ हो गया थोड़ा और एडजस्ट कर दूँगा मैं इसको टाइट कर दूँगा सेट कर दूँगा एक जगह ये देख सकते हो मेरा जो है प्रॉब्लम ना करे ये मैंने बिल्कुल देख सकते हो तो मलाइयों की तरह घूम रहा है मेरा बिल्कुल स्मूथ हो गया दोस्तों सबसे पहले आप फिट करो तो उसको ब्लोर लगा के इसको घुमा के देख लो ताकि ये आवाज़ ना करे कहीं आपका आवाज़ करे तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ेगा कोलिंग कॉल बैठाऊँगा मैं इसकी कोलिंग ऑयल प्रॉपर तरीके से मेरी बैठेगी देख सकते हो तो दोस्तों पूरी सर्विस हो चुकी है कोलिंग कॉल तो यहाँ से कोलिंग कॉल को बढ़ाऊँगा मेरी बैठ रही है यहाँ से थोड़ा भी टाइम लगेगा मैं इसको बिठाता हूँ यहाँ पर तो ये मेरा जो है यहाँ पर जो है नई बैठी हो देख रहे हो कितना गैप है पर कुछ हट रहा है हाँ ये देख सकते हो दोस्तों मेरा पाइप हट रहा है यहाँ पे तो ये मैंने इसको दबा लिया चित्रे ये मेरी बैठ गई हो यहाँ से भी बैठाऊँगा मैं ये मेरी बैठ चुकी दोस्तों पीछे जो है कवर लगाना ना भूले ये मैन कवर आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ ये किस लिए होता है ये हमारा पाइप को दबाने के लिए होता है दोस्तों ताकि हमारा पाइप दीवार पर दबा रहे दीवार से उठे ना दोस्तों तो ये देख सकते हो मैंने इसको पाइप को कवर को लगा लिया तो मेरा पाइप अब दीवार के अंदर अंदर ही इंडोर के अंदर अंदर ही रहेगा दीवार के बाहर नहीं आएगा ताकि कई आपने समस्या देखी होगी कि दीवार से गैप रहता है एसी के अंदर तो ये ज़्यादातर पाइप पड़ता है पीछे तो उस वजह से हमारा गैप आ जाता है इसलिए ये लगा हुआ है हमारा कवर सेफ़्टी कि हमारा पाइप इंडोर के अंदर रहे हमारी दीवार में इंडोर आराम से बैठ गए तो इसके मैंने दोस्तों तीन पेज खोले तो मैं तीनों लगा देता हूँ देख सकते हो दोस्तों मैंने तीनों पेज इसके लगा दिए इसके ये रब फोम बिठा लूँगा मैं यहाँ पे टेप टूप मार दे कोई अच्छी तरह फोम में ये दोस्तों फोम भी इसलिए लगी होती है ताकि थोड़ा बहुत पानी होता है सूख ले पानी नीचे ना गिरे आपका तो दोस्तों चलो इसकी हैं अब ड्रेन ये सेंसर की तार है सेंसर की तार दोस्तों कूलिंग कोयल के ऊपर ही लगाए एक ए में मेन रोल सेंसर का भी होता है दोस्तों आपको मैं बता दूँ अगर आपको पता नहीं है तो सेंसर में जो है आपका जो 26 पे सेट करते हो पच्चीस पे चौबीस पे सेट करते हो तो दोस्तों जो है आपका ए सी ट्रिप मारते हो सेंसर का ही मेन रोल होता है अगर आपका सेंसर कूलिंग ऑयल पर सेट नहीं होगा तो दोस्तों पहले कवर नहीं लगना था पहले हमारी ड्रेन लगेगी कवर दोबारा उतारना पड़ेगा हमें तो पहले हमारा जो है ड्रेन लगेगी दोबारा खोलना पड़ेगा कवर हमारा ये पहले गलत लगा दी कवर दोबारा खोलना पड़ेगा इस पर हमारी जो है पहले ड्रेन बैठेगी क्योंकि ड्रेन की हमारी जो तीन तीन है वो लगने पी में कोई बात नहीं दोबारा उतार लेंगे तो यहाँ से पहले हम ट्रेन बिठाएंगे हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था सेंसर का जो मेन रोल होता है सेंसर में जो है हमारे जो छब्बीस पे जो 25 पे कट मारता है वो सेंसर की वजह से ही मारते दोस्तों तो सेंसर को कूलिंग वाले प्रॉपर सेट करें सेंसर जो अगर प्रॉपर सेट नहीं होगा तो आपका जो है मशीन में ऑटोमेटिक नहीं होगी दोस्तों तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जी तारे बैठा लूँगा तीन स्विंग दोस्तों हिटाची का एक ऐसा इंडोर है जिसमें तीन मोटर होती है बाकी सब में एक मोटर या दो मोटर होती है तो आप देख सकते हो उसमें हमारी जो है तीन मोटर होती है और तीन बीच भी है तो मैं इसमें यहाँ पर तीनों इसके मोटर का कनेक्शन कर लूँगा तो यहाँ पर जो है इसमें तीन जैक लगे हुए कलर वाइज कलर रेड ब्लैक और वाइट दोस्तों मैंने अभी पहले आपको जिक्र करा था कि अगर आपके जैक सेम होंगे तो कलर कोड होंगे इसका ट्रेन का पेज लगा लूँगा मैं यहाँ पर दो पेज खो लेते हैं। मैंने इसके दोनों पेज लगा लूँगा दोस्तों जो जो खो लेते हैं। मैंने आपके सामने लगा के दिखा रहा हूँ देख सकते हो इसको मैं लोग अच्छे तरह बैठा ली मैंने यहाँ पे स्विंग मेरी काम करी है इसकी फिर आप चेक कर लूँगा मैं पर नीचे सही हो रही नहीं हो रही ये देखो बिल्कुल सही हो रही प्रॉपर तरीके से बैठ गई मेरी अब मैं इसके जैक लगाऊँगा तीन जैक खोले थे मैंने तीनों जैक लगा लेता हूँ तीन मोटर है हर मोटर का पर मोटर का एक जैक है यहाँ से जैक को पहले इसके अंदर से निकालना पड़ेगा मेरे को ताकि मेरा बाहर उठाना रहे यहाँ से मैंने जैक निकाल लिया अंदर से देख सकते हो तीनों जैक आ गए मेरे हाथ में अब एक एक करके मैं जैक लगा दूंगा ये एक दो और ये तीन तीन जैक आ गए मेरे यहाँ पर अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पहले ये मेरे हाथ में सफ़ेद जैक है पहले वाइट जैक लगा लिया मैंने दूसरा रेड है मेरे रेड लगा लूँगा ये बैठ गया और तीसरा ही ब्लैक बचा है ब्लैक में लगा लूँगा इसको सेंटर में ये देख सकते मेरे तीनों जैक लग गए मैं तार को बैठा दूंगा नीचे अब लगाऊँगा इसका कवर जो मैंने पहले खोला था सेंसर की दोस्तों ये देखो मैं लगा दूंगा अभी मैंने बताया था सेंसर की और सेंसर कॉल में दोस्तों ना घुसेड़े इसका जो कवर लगा के उसके ऊपर सेंसर लगाएं अगर आप कॉयल में घुसेड़ दोगे तो आपका इसे ट्रिप मारता रहेगा इस चीज़ का ध्यान देना आपका एसी फिर दो दो मिनट में कंप्रेसर ट्रिप मार करेगा फिर आप कहोगे मेरा कूलिंग नहीं कर रहा है ऐसी तो ए के कवर के ऊपर सेंसर के कवर के ऊपर ही लगाए छोटा सा कवर आता है प्लास्टिक का उसी के ऊपर सेंसर को लगाए और सेंसर को कॉयल के ऊपर ही लगाए दोस्तों अगर आप कोयल से उठा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा सेंसर तो चलो पी के ऊपर ढक्कन के पेज लगा देता तो हैं मैं कवर के एक नीचे पेज था कवर का और एक दोस्तों पीछे का लगा लूँगा और एक इसके ऊपर का पेज है वो लगा लूँगा। देख सकते हो दोस्तों एक पेज पीछे का लगा लिया मैंने ऊपर की साइड का एक पेज मेरा यहाँ पे छोटा सा कवर होगा एक फ्रंट का वो तो भी मैं देख के लगा देता हूँ यहाँ मेरा फ्रंट का कवर ढूंढना पड़ेगा पड़े? ये देखो दोस्तों मैंने लगा दिए मेरा दराज में पड़ा हुआ था कवर तो यहाँ से मैंने इसका पेज भी टाइट कर दिया दोस्तों देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें मैंने आपको टाइट करके दिखाई है एक एक चीज़ सारे पेज लगा के दिखाया है दोस्तों पेजों का जरूर ध्यान देना है। एक भी पेज मिस ना करें प्लीज़ अच्छी तरह सारे पेज लगाए जो जो खोले आपने ठीक है दोस्तों तो यहाँ से मैं इसका कवर बिठाऊँगा ऊपर प्रकव। का मैं ऊपर कवर में पहले कपड़ा मार के अच्छी तरह एक बार ये सकते हो यहाँ पर पी की एक और एक दो बूंद भी पी सी बी ऊपन ना करे तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह कपड़ा मार लूँगा कपड़ा मार के सब अच्छी तरह बिठाऊंगा दोस्तों ये देख सकते हो कपड़ा मार लिया मैंने इसमें तो मैं इसको अच्छी तरह से इसको अंदर की तरफ भी कपड़ा मार लूँगा फ्लैप की तरफ भी ताकि बार बार से तो चमक जाता है अंदर से रह जाता है दोस्तों अंदर से भी चमकना बहुत ज़रूरी है ये ऐसी सर्विस करो कि दोस्तों पूरे साल तक आपको ए में सर्विस कराने की जरूरत ना पड़े तो ये दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ से मेरे पीछे के तीन लोग होते हैं ये बिठा लिए मैंने मेरे लोग बैठ गए ये देख सकते हो मैं आगे से बिठा दूंगा देख सकते हो मेरे बैठ गए तो पेच लगाऊँगा ये यहाँ पे पेच लगा लिए मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दूँगा ये टाइट करती है एक पेच और लगाऊंगा सामने तो मैं तो दोस्तों देख सकते हो मेरे कवर के पेच लग गए मैं आप इस बार कपड़ा मार लूँगा अच्छी तरह फ़िल्टर लगा दूँगा उसके फिल्टर सीधा ही लगाए फिल्टर वैसे भी सीधा लगेगा उल्टा लगेगा नहीं खाँचे बने होते फिल्टर के उस हिसाब से फिल्टर लगेगा उल्टा लगा भी सकते आप ये देख सकते हो तो सारे लोग हो गए मेरे इसमें एक बार कपड़ा मार दूँगा प्रॉपर तरीके से भी दोस्तों सर्विस कैसी लगी आपको तो बताओ जो मेरे कमेंट में ये देख सकते हो मैंने इसको बंद कर दिया अच्छी तरह तो दोस्तों देख सकते हो मैंने इंडोर के ऊपर भी अच्छी तरह कपड़ा मार लिया ये थ्री स्टार का अटाची का ए सी हमारे पास तो हमने प्रॉपर इसको आपको सर्विस कर सारा खोल के आपको सर्विस करके दिखाया है फुली लोडी ए सी है दोस्तों अटाची का अगर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताना दोस्तों और आपको हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों और आइकन का दबाना ना बोलना दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों हमारी वीडियो आज के लिए अगली वीडियो में